नमस्कार, जय माता की। मैं श्रवण राजपूत मेडिटेशन एक्सपर्ट एंड रेकी एंड लामा फेरा एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया बताते हैं। हमारा मोस्ट जो इफेक्टिव पॉइंट है हमारे ग्रुप सेंटर का, कि जो हम हीलिंग करते हैं, चाहे रेकी हीलिंग हो या फिर लामा फेरा हीलिंग हो, उसका इफेक्ट हमारे तरफ से 100% होता है। हम हर रोज प्रत्येक वीडियो में अपने बारे में कुछ बताते हैं। हम भी आपसे यही चाहते हैं कि आप अपना रिव्यू, अपने विचार हमारे YouTube चैनल पे सेंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप हमारे सेंटर तक पहुंचे या हमारे कैंप तक पहुंचे, ताकि आपको सही सही हीलिंग मिले और सही ज्ञान की प्राप्ति हो। हम लोग किसी को झूठे आश्वासन नहीं देते हैं। जो हम करते हैं ऊपर वाले की ब्लेसिंग से, अपनी दुर्गा माँ काली माता की ब्लेसिंग से, भगवान बुद्धा की ब्लेसिंग से। रेकी सिंबल के साथ साथ लामा फेरा सिंबल और जो हमारे मंत्र जो हमने सिद्ध किए हुए हैं, वो सभी हम यूज करते हैं प्रत्येक हीलिंग में। खासकर जब नेगेटिविटी रिमूव करने की बात आती है, ब्लैक मैजिक दूर करने की बात आती है, वास्तु दोष दूर करने की बात आती है, या स्प्रिट आई जिसमें ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, कोई बाहर की चीज़ें जिसको हम मोस्टली आत्मा बोलते हैं, उसको दूर करने की बात आती है, तो हम मंत्रा भी यूज करते हैं। पानी को भी चार्ज करते हैं, मिक्सअप करके आपका लामा फेरा करते हैं, ताकि जो चीज़ आपके अंदर या घर के अंदर ट्रांसफर हुई है, आई है, उस चीज़ को बाहर मुक्ति से प्रदान किया जा सके। जैसे कि आज की घटना है, हम वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं करते उस घटना की, कि हम नहीं चाहते कि किसी की प्राइवेसी पब्लिक के सामने दिखाई जाए। अदरवाइज बनाने को हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपके वीडियो अपने वीडियो यूट्यूब पर डाल सकते हैं, ताकि लोग उसको देखें। आज की नॉर्मल हीलिंग की घटना है। चेक करने के बाद जैसे हमारा दूसरा सेशन कैंप में शुरू हुआ, हमने एक्चुअली नॉर्मल हीलिंग के लिए ही कैंप रखा था, तो जैसे ही उनको लेडीज को टच किया, तो बेड से कम 1 फुट ऊपर उठ गई और शरीर बिल्कुल अकड़ गया, हाथ पांव मुड़ गए, ऐसे हो गया जैसे भी लकड़ी होती है, उठाओ कहीं से बैंड ना हो। हमारा भी एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो उस टाइम पे हमारे मंत्रा काम आते हैं मोस्टली, जो हम मेडिटेट किए हुए साधना की हुई और अब करते रहते हैं मोस्टली 40 40 दिन, 2 2 महीना। हम किसी को ज़्यादा दिखावा नहीं करते, बताते नहीं हम क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ का मेडिटेशन करते हैं। हम प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को करते हैं और पूरी गाइडेंस लेके ही करते हैं। बिना गाइडेंस के, बिना तरीके के हम कोई भी मेडिटेशन ना करते हैं ना करवाते हैं। तो उसने बोलना शुरू किया कि वो कौन है। उसका नाम कुछ और था ओरिजिनल में, जो लेडीज थी, लेकिन जो बोल रही थी, वो जो झटके मार रही थी शरीर से या जोर लगा रही थी, तो नाम ही कुछ और बता रही थी। ये मेरा नाम है, हम नाम नहीं बताएंगे, और उस एरिया से हूँ, एक्सीडेंट में मौत हो गई थी 8 साल पहले, और ये मेरे फादर का नाम है, और भी जो इन्फॉर्मेशन दी उसने बिल्कुल सही सही दी है। हमने मोस्टली अपने सिंबल यूज किया उस पे, और उस टाइम लामा फेरा नहीं कर रहे थे एक्चुअली, हम रेकी हीलिंग कर रहे थे। और अपना मेरा काम होता है कि रेकी हीलिंग के साथ मैं मंत्रा भी मोस्टली यूज कर देता हूँ, तो काफी कोशिश की उसने उस चीज को मिसगाइड करने की हमारे को, कि
मैं चली जाऊंगी, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी, या मैं बहुत पैसे वाली हूँ, जिसके घर में पैदा हुई थी बहुत पैसा, आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, आप जो चाहोगे मिलोगे, मेरे को छोड़ दो। देखिए, हमारा काम होता है पैसे से, किसी का नुकसान करने से हमारा कोई वो नहीं होता, नाम ये करेंगे कभी भी। देखिए, पैसे हम लेते हैं अपने इलाज के, नॉर्मल चार्ज होते हैं, रेकी सिखाने के, लामा फेरा हीलिंग करने के, आपको प्रेशर करने के, या कुछ भी सिखाने के हमारा चार्जिंग होते हैं। एक नॉन प्रॉफिट डिवाइन सेंटर है, सोसाइटी है हमारी, कि जो आता है उसमें हम किसी आधा कहीं दे देते हैं, कहीं दान कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, कुछ जो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट उसमें भी यूज करते हैं। तो उस लेडीज को टैकल करने में, उसको रिलैक्स करने में, वो चीज़ जो उसके अंदर थी, तो आधा घंटा लगा। हालांकि उसका हमने लामा फेरा करना है, लामा फेरा करने के बाद ही वो कम्प्लीटली वो चीज़ मुक्त हो पाएगी। तो आपसे हम बोलना चाहते हैं कि आप जो भी जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, जो लगता है कि सारी जगह घूमने के बाद भी वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाई है, उसके अंदर कुछ है, जैसे मेरे पे कॉल आते हैं मोस्टली कहीं कहीं से, तो आप एक बार अवश्य आइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। हम प्रत्येक तरीके से, मंत्रा, मेडिटेशन, सिंबल के तरीके से वो ट्रीटमेंट हैंडल करेंगे, और आपको 100% पॉजिटिविटी मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, जो चीज़ मकान के अंदर या जो भी पेशेंट आएगा उसके अंदर होती है कम्प्लीटली मुक्त हो जाएगी। हम मंत्रा यूज करते हैं, आप लोग भी अपना मंत्रा, देखिए बीज मंत्र होता है जो नॉर्मल आपको किताबों में मिल जाते हैं और उसको आप मेडिटेट करते हो। मंत्रा कोई भी हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, खासकर या फिर हिंदू धर्म में मंत्रा ज़्यादा होते हैं, अगर आप उसको श्रद्धा के साथ और एक अटूट विश्वास के साथ और एक नियम के साथ उसका सही तरीके से उच्चारण करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, टाइम बाउंड करके इतने दिन तक करना है, तो वो सिद्ध हो जाता है। जब आप उसको एक विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ यूज करेंगे किसी पर्पज के लिए, तो मंत्र काम करना शुरू कर देता है। हम तंत्र यूज नहीं करते हैं, मंत्र यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, और हमें इसी प्रकार से प्रत्येक चीज में सफलता मिलती है। हमारा मोटिव होता है कि इंसान को बिल्कुल रिलैक्स करना, उसको पॉजिटिविटी देना। दूसरी बात, हम जिससे भी बात करते हैं, फोन पे आता है या डायरेक्ट कोई क्लाइंट आता है, नॉन पर्सन भी आगे पूछता है, डिटेल बताते हैं उसको, जो मोस्टली सेंटर में या स्पिरिचुअल इंसान ज़्यादा बात किसी से नहीं करता है, सिर्फ लिमिट में बात करता है, जो क्वेश्चन है सिर्फ आंसर देके इलाज करता है। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नेक्स्ट पर्सन को डिटेल में बता दिया जाए, उसको पता लगे और वो उस चीज़ के बारे में जाने, और कहीं भी उसको फील ना हो कि हम दिल से उससे टच नहीं है या बात नहीं कर रहे हैं। हमारा व्यवहार नॉर्मल इंसान जैसा रहता है, जैसे एक सिंपल आम बात करते हैं आपस में। लेकिन कईयों क्या होता है कि ये हमारी शराफत या हमारा जो दिल, हम सिंपल वे में बात करते हैं, लोग बोलते हैं ना हमारी आम भाषा में कि उंगली पकड़ी तो यहाँ तक पकड़ लिया। देखिए, हम स्पिरिचुअल इंसान हैं, मेडिटेशन करने वाले, मंत्रा मेडिटेट करने वाले हैं, हम दिल से सभी से प्यार से बात करते हैं, सभी को समझाते हैं, और जितनी बार भी कोई कॉल करता है हम उसके आंसर देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितनी बार भी वो पूछेगा बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही सिंपल हो गए कि सर सर से फिर बिल्कुल बराबर में आ जाओ, या जैसे देखिए हम सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट हम भी करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ प्यार से बात करो और सही तरीके से बात कीजिए, सभी से करनी चाहिए वैसे भी। हम लोग भी जवाब देते हैं, हमारा भी घर है, हमारा भी पेरेंट्स हैं, भाई है, और भी हैं, उनसे भी जवाब देना होता है, तो इसलिए हमें अपना थोड़ा लोगों की सेवा तो करते हैं और सोसाइटी भी है, लेकिन घर भी थोड़ा जवाब देना होता है, तो थोड़ा बहुत हमें प्रोफेशनल भी होना ज़रूरी होता है, जो हम नहीं होते प्रोफेशनल मोस्टली, जैसे और सेंटर वाले प्रोफेशनल मोस्ट होते ही हैं, उनको सिर्फ कस्टमर से मतलब होता है,
हीलिंग दी ना दी, पैसे लिए कंप्लीटली, और जो किया किया उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन हम थोड़ा दिल से टच हो जाते हैं, कोशिश करेंगे आगे से ना पॉइंट टू पॉइंट बात करें सभी से। तो जिसको भी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है या किसी में ब्लैक मैजिक है, किसी में आत्मा है या कोई और नेगेटिविटी है या कोई बीमारी है, तो आप ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट करके आइए, कॉल करके टाइम लेके आइए, क्योंकि हम लोग भी बहुत काम करते हैं, बिजी होते हैं, तो बार बार कॉल करके टाइम लेके ना आना, फिर नेक्स्ट डे कॉल करना कि कल आऊँगा, वो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। जिसका भी इंटरेस्ट बनता है, जो भी अपने आप को ठीक करना चाहता है, एक बार कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उस टाइम पे फिक्स आइए। अगर आप दोबारा दोबारा ना आके नेक्स्ट डेट करते रहेंगे, तो हम आगे टाइम नहीं देंगे। हम आपके लिए इतना करते हैं, दिल से आपका ट्रीटमेंट देते हैं, हीलिंग करते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो हमसे अपॉइंटमेंट ले, तो टाइम पे, उसी टाइम पे जो टाइम उन्होंने बोला है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उसको उस टाइम पे फारिग करके और इंसान जो आते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सके प्रॉपर वे में। अगर एक इंसान अपॉइंटमेंट लेके प्रॉपर टाइम पे लेता, सारा समीकरण, सारा जो शेड्यूल होता है दिन को बिगड़ जाता है। अभी हम मंदिर में कैंप लगा रहे हैं मनी बाजरा, तो वहाँ पे हम किसी से रेकी हीलिंग के चार्ज नहीं कर रहे हैं। हमने एक्सपेक्ट किया था कि चलो मंदिर के नाम का एक बॉक्स मंदिर वाले रख देंगे हमारे पास आके, तो उसमें जितने भी श्रद्धा होगी किसी के मंदिर के नाम के उस बॉक्स में डाल देंगे, लेकिन मंदिर वालों ने आज नहीं रखा, कुछ फंक्शन था वहाँ पे। अजीब ये भी है कि मंदिर वालों ने नहीं रखा, तो हमारे कहने के बावजूद भी लोग ट्रीटमेंट हीलिंग लेके चले गए, लेकिन वहाँ पे मंदिर में कुछ नहीं दिया। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, 1-1 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, क्या 1000 रुपये दे के आते हैं। हम लोग वहाँ पे मंदिर में फ्री हीलिंग दे रहे हैं, मंदिर में जो आए 10-20 रुपये भी मंदिर में नहीं चढ़ा सके, तो ऐसे हीलिंग वर्क भी नहीं करती है। मैं आपको आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको हीलिंग लेनी है, अगर आप फ्री हीलिंग भी ले रहे हो किसी संस्था से कैंप में, तो आपको चाहिए कि 10-20-30-40-50 जो भी होता है मंदिर में, जहाँ पे कैंप लगा हुआ है वहाँ मंदिर में चढ़ा दें। बाकी हमारा जो हाई लेवल नेगेटिविटी रिमूव करने का, हम अपने सेंटर में बुलाते हैं, उसके हमारे चार्ज होते हैं, हम चार्ज लेते हैं, एक ही बार चार्ज लेते हैं, बार बार हम चार्ज नहीं लेते किसी से। उस चार्ज में अगर हमें सीटिंग हीलिंग सीटिंग और करनी पड़े, बढ़ानी पड़े, तो चार्ज उतना ही रहेगा, हम सीटिंग बढ़ा देते हैं। तो आप आइए, लावा फेरा करवाइए, डिस्टेंस से या डायरेक्ट, चंडीगढ़ वाले या आसपास के इलाके वाले जो नज़दीक रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो लोग डिस्टेंस से ना होकर डायरेक्ट आके हीलिंग करवाएं। किसी दिन ना पाए तो आप डिस्टेंस से करवा सकते हैं। तो आज का मेरा मकसद यही है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आइए। इतना विश्वास जरूर रखिए कि यहाँ आओगे तो आपको निराशा नहीं मिलेगी, आशा ही मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कोशिश करेंगे रोज आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कुछ ज़्यादा हम दिखावा चढ़ा के, या रेकी ऐसी होती है, रेकी वैसी होती है, सिंपल को ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देते। हम काम की, जो आपके काम की, हमारे जो बताने का तरीका होता है, सिंपल वे में बताते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। माँ दुर्गा, माँ काली, भगवान गॉड आपको ब्लेसिंग दे, आपको प्रोस्पेरिटी दे, आपके हर काम सफल करे। जय माता की, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, नमस्कार।